नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गुरुंदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हैं हम कृष मोहन जी के घर, तो चलते हैं उनके घर। तो देखिए, ये अंकित जी का घर। हेलो मीनाक्षी, कैसे हो आप? तो देखिए, इनको फ्लावरिंग का कितना शौक है, प्लांटेशन का। ये सीजनल फ्लावर तो आपके बहुत सुंदर आए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। यहाँ पे सनफ्लावर लगा हुआ है, तो पूरा खिलता है। शाम के टाइम पे थोड़ा सा मुरझाता है, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। ये किस चीज़ का फ्लावर है? ये मैंने पहली बार देखा है। ये फ्लावर नाम तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, बट ये बहुत सुंदर लगता है। लीफ में इसके फ्लावर आते हैं। तो ये 12 महीने आते हैं? हाँ, ये आता है। ये तो आता है। तो हम इसे प्लांट से पानी वगैरह सब देते हैं। गुलदावरी एक टाइम जैसे आ रहा है, डहेलिया वगैरह, लेकिन बहुत केयर करना पड़ता है इनमें। नहीं, पौधों का तो ध्यान बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही करना पड़ता है। पूरा पूरा मैं और पापा ही देखते हैं इसको। अगर मैं ये देखती हूँ तो पापा पूरे टाइम पानी का सब कुछ, सुबह शाम का पूरा यही होता है। आपके गार्डन में झूला तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये झूला तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बैठो, आप एंजॉय करो। हाँ, एंजॉय तो करेंगी। ये मनी प्लांट है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राउंड शेप दे रखा है इसका, कटिंग करके। हाँ, कटिंग करके बड़ा सुंदर लग रहा है इसकी शेप। कटिंग करके ना इसकी बेल लेंगे। बेल वाला उधर है, उधर है। अब बताओ, ये बर्ड्स कुछ भी कह लो, ये तो बड़ी सुंदर शेप दे रखी है। इसको पूरी कटिंग करके बहुत टाइम लगता है इसे बनने में, लेकिन जैसे 2-3 साल लग जाते हैं। ये सारे प्लांट जैसे अब यहाँ पे बनेगा, ये बन रहा है, देखो ये वाला बन रहा है। हाँ, है ना। पहले थोड़ा सा बड़ा होकर इसे कटिंग करके, इसे सपोर्ट दे के, पीछे से फेदर निकाले हैं पूरा, इसे बीच वगैरह सारी। तो इसको मतलब बिल्कुल ही मतलब 1-2 साल लग जाते हैं इसको बनने में। हाँ, ज्यादा ही थोड़ा अच्छे से शेप आने में तो टाइम लगता है। हाँ, शेप आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये काफी बड़ा है। ये लेमन ग्रास है, हम इसे चाय में यूज करते हैं। हाँ, लेमन ग्रास बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है चाय में। है कि डेकोरेटिव प्लांट्स भी है, सीजनल प्लांट्स भी है। हम इन्हीं प्लांट्स को जैसे छोटे छोटे जो मदर प्लांट होता है वो देते हैं, छोटे छोटे प्लांट को अलग करके यहाँ पे। जैसे इस वाला ये प्लांट मैंने खरीदा था। हाँ जी, छोटे छोटे पार्ट्स हुए ये, यहाँ पे मैंने पूरा बगीचा लगाया हुआ है। अब ये बड़े हो जाएंगे, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, देखो जैसे सारे वाइट 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 फ्लावर आते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे। हाँ हाँ, तो ये बड़ा मतलब अच्छा लगता है। पूरा बगीचा सा बनाया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको भी। 2 साल हो गए इसको, अभी बन के आया नहीं पूरा। ये इतने बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। हाँ, तो ये पूरा गार्डन अच्छा, पूरा यहाँ पर बच्चे तो बहुत इंजॉय करते होंगे झूले पर बैठ कर। हाँ, कहते हैं काफी मजा आता है हम लोगों को। हेलो किड्स, हेलो, आपके क्या क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? तो आप यहाँ पर बड़े एंजॉय करते हो, यहाँ पर झूला झूलते हो मॉर्निंग में और इवनिंग में? फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करते हो आप लोग? तो यहाँ पर तो बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप करते हो पार्टी? कैसे करते हो तुम पार्टी? पहले गैस लाओ, यहाँ पे रख दो। गैस जला के यहाँ रख दो। बैडमिंटन लाओ, यहाँ पे रख दो। और सॉस लाओ, इधर तो। ओके, बैडमिंटन भी खेलते हो? मीनाक्षी, लाइट तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, ये लाइट से गार्डन के हिसाब से रखी हमने, ग्रीन कलर का चूज़ा। अच्छा, तो ग्रीनरी में ग्रीन और भी सुंदर लगेगा। अच्छा लगता है रात के टाइम पे। नहीं, बहुत अच्छी लग रही है ये। तो मीनाक्षी, ये तुम्हारा इवनिंग टी एरिया? बहुत सारी बर्ड्स आती हैं वहाँ पे। ओके, अभी हम लोग तो नहीं है वहाँ पे।
वो मॉर्निंग में आती है, वो अपने टाइम पर ही आती है। ये बर्ड्स को देखते नहीं अच्छा लगता है, और गार्डन भी यहीं से दिख जाता है। नहीं ये तो है, खैर तो ये प्लांट्स का बहुत शौक है, ये पूरे आगे तक पूरे घर में प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। तो इतने छोटे बच्चों के साथ मेंटेन करने का टाइम मिल जाता है। और मीनाक्षी को म्यूजिक का भी बहुत शौक है, पेंटिंग भी बहुत सुंदर बनाती है, तो इनसे पूछना पड़ेगा ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करती है। घर तो आप देख ही रहे हैं इनका कितना नीट एंड क्लीन सब हो जाता है, और अगर शौक है किसी चीज़ का तो आप टाइम निकाल ही लेते हैं। मीनाक्षी हम कहाँ जा रहे हैं? अब मैं अपने ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम में आपको लेके जाती हूँ। आइए, ये लाइटनिंग है हमारे ड्राइंग रूम की, जो आप देख सकते हो, जो हमने बहुत शौक से सजाया हुआ है लाइटनिंग से। नहीं बहुत सुंदर है, ये छोटे छोटे कैंडल्स हैं, इसमें हम कभी कैंडल डाल के इसे जलाते हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये पेंटिंग है जो मैंने बनाई है। तो मीनाक्षी में पेंटिंग्स का शौक है, तो बिल्कुल प्रोफेशनल वाली बन रही है जैसे प्रोफेशनल लोग बनाते हैं। नहीं नहीं ये मैंने मेरी गुरु है जिनका तंशी आर्ट, स्मृति लाल मैम, ये मैंने उनके अंडर में बनाई है। उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, काफ़ी हेल्प करी उन्होंने, बहुत सुंदर बनी है। वो मेरे लिए गुरु की तरह है। और ये सनफ्लावर वाली पेंटिंग है, इसमें भी फ्लावर 3D का एक लुक आ रहा है, बहुत सुंदर बनी हुई है। और डेकोरेट भी बहुत सुंदर हो रखा है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम आपने बहुत ही सुंदर डेकोरेट कर रखा है, पूरा घर ही बहुत सुंदर डेकोरेट कर रखा है। तो पेंटिंग्स आप बनाते रहते हो? हाँ, अब तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है थोड़ा कलर से। पेंटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत आर्ट, फाइन आर्ट चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो कलर्स के साथ, कुछ भी। तो पीछे आपने गणेश जी और ये ये भी बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है, ब्रास के आइटम्स हैं, ये मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे कलरफुल दिए, हाँ दिए कुछ भी कह लो, ये है वो चीज़ें। ये आपकी मदर इन लॉ? हाँ ये मेरी मदर इन लॉ है। मीनाक्षी ये जो गिटार रखा है ये आपको शौक है म्यूजिक का? नहीं ये मेरी बेटी करती है गिटार, सब उसकी गिटार क्लास होती है। अच्छा अच्छा, लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, बच्चे घर पे थे, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिली थी, क्योंकि आज बहुत सारा टाइम था करने के लिए, स्कूल सारी ऑनलाइन थी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम था उनके लिए। नहीं ये तो है। और आपको याद हो फ्रेंड्स, नवदा ने एक डांस परफॉर्म भी किया था जो मैंने 26 जैन को अपलोड किया था, वो भी बड़ा सुंदर था। तो दोनों माँ बेटी मतलब बच्चे सब क्रिएटिव है यहाँ पर। तो अब हम लिविंग एरिया से मीनाक्षी के बेडरूम में जाते हैं, यहाँ पर भी मीनाक्षी ने पेंटिंग बनाई हुई है जो कि बहुत ही मतलब एक बहुत ही सुंदर कलरफुल पेंटिंग है। तो ये तो आपने बिल्कुल जैसे वैलेंटाइन डे पे फ्लावर्स होते हैं बेडरूम के हिसाब से बना रखी है, बहुत सुंदर है। अच्छा था, अच्छा बोला आपने। ये आपका फैमिली कोलाज, तो आपने अपनी प्रतिभा का हर रूम में हर जगह दिखाई हुई है। मैं हर जगह हूँ तो मेरी प्रतिभा भी हर जगह है। नहीं ये तो है, बहुत सुंदर, सिंपल सोबर, मतलब बिल्कुल सामान अपनी जगह रखा हुआ, बिल्कुल वेल मेंटेन। बच्चों के साथ जितना मेंटेन कर पाते हैं उतना कर लेते हैं। तो अब हम मीनाक्षी के किड्स रूम में चलते हैं। बच्चे आप देख ही रहे हैं सामने नवदा जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, पढ़ने में भी, डांसिंग में भी, और बता रहे हैं सिंगिंग भी सीख रहे हैं। ये बच्चों के कॉलेज, तो नवदा यहाँ पर बच्चे आपके रह लेते हैं अकेले? हाँ वो सारी
सारी एक्टिविटी अपनी यहीं करते हैं। ओके नहीं अच्छा है कि बच्चों को शुरू से ही आदत हो जाती है। ये भी बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ है आपने। ये नवदारी खुद ही बनाई है बॉटल। अच्छा खुद ही डेकोरेट करी हुई है तो उसे भी पेंटिंग्स का शौक है काफी। हाँ, वो भी मैम से काफी कुछ सीखी है स्मृति मैम से उन्होंने पूरी कलर। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि जैसे बच्चे हैं उसको कथक भी आता है म्यूजिक भी वो सीख रही है पेंटिंग्स स्टोन पेंटिंग पेंटिंग्स देखिए कितनी सुंदर पत्थरों के साथ पत्थर स्टोन लेके उसने कलर करके एंग्री बर्ड बनाया है। कुछ भी नहीं है सिंपल बोर्ड है कलर करो एंग्री बर्ड बना के चिपका दो। ये बहुत सुंदर लग रही है। तो आप बच्चों को अगर फोन के अलावा आप इस तरह की एक्टिविटी में बिजी रखेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत बहुत सुंदर डेकोरेट कर रखा है और बच्चे तो मतलब सम भी साथ साथ सीख रहे हैं लेकिन अच्छी लग रही है बच्चों की ये कबर्ड। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ घर वालों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।